तो आपसे कुछ उपहार और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग रुद्रन मूवी के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डे वन से। तो मॉर्निंग में इस मूवी की ऑक्यूपेंसी रही है 17.54%। इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टरनून शोज की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी खासी तगड़ी देखने को मिली, 31.34%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इवनिंग शोज की, तो यहाँ भी बहुत तगड़ी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है डे वन के हिसाब से, 27.32%। और वहीं पर अगर मैं बात करूं नाइट शोज की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 30.46%। और इस तरीके से ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है वो निकल कर आई है यहाँ पर 26.67%। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कि डे वन में इस फिल्म का तमिल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना निकल कर आया है, तो वो निकल कर आया है 3 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पर वही फिर बात अगर करें हम लोग बजट की, तो बजट इस मूवी का काफी ज्यादा हाई है, जो कि यहाँ पर निकल कर आता है 35 करोड़ रुपीज का। तो ऐसे में अब यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो बजट है वो 35 करोड़ रुपीज का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म का बजट जो है वो 35 करोड़ रुपीज है, और इस फिल्म ने डे वन पे देखा जाए तो 3 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। लेकिन अभी भी इस फिल्म को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना बाकी है, क्योंकि ये 35 करोड़ का जो बजट है वो छोटा अमाउंट नहीं है। तो उसको एक तरीके से क्लियर करने के लिए या फिर बजट को रिकवर करने के लिए इस मूवी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कम से कम लगातार एक हफ्ते इस फिल्म को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। कम से कम 30% की ऑक्यूपेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इस मूवी को, और कम से कम डेली बेसिस पे 5 करोड़ रुपए का तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फिल्म बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से अपना बजट भी रिकवर कर लेगी। और अगर कोई मूवी नेक्स्ट वीक रिलीज भी हो जाती है तो इस फिल्म को टेंशन थोड़ी कम रहेगी, मतलब फिल्म के मेकर्स को, कि कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए या फिर फिल्म को घाटा ना हो जाए, वो वाली बात यहाँ पर देखने को शायद नहीं मिलेगी। जोहार।